बोकारो दिनभर में आज बोकारो को विश्व औद्योगिक मैप पर लाने की कोशिश तेज, क्या कदम उठाया जा रहा है, देंगे पूरी जानकारी। साथ ही साथ एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म प्रीमियम शो पर भी चलेंगे। नमस्कार, मैं हिमांशु हाजिर हूं बोकारो दिनभर लेकर। बोकारो की सुर्खियों में BSL सिक्योरिटी गार्ड ने क्यों तोड़ी एक निर्माणाधीन मकान, बताएंगे पूरी घटना। वहीं बोकारो को उपायुक्त ने एक महत्वपूर्ण बैठक कर कुछ जरूरी निर्देश दिए, इसकी भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ ओमिक्रोन और कोरोना की स्थिति भी जानेंगे, चर्चा और भी खबरों पर करेंगे, लेकिन उसके पहले जान लेते देश और दुनिया का। भारत के रक्षा प्रमुख जनरल बिपिन रावत का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ शुक्रवार को किया जाएगा। बुधवार को तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जनरल बिपिन रावत का निधन हो गया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को दोनों सदनों में हेलीकॉप्टर दुर्घटना के बारे में बयान देते हुए बताया कि हादसे की जाँच के लिए त्रिसेवा जाँच का आदेश दिया गया है। एक साल से चल रहे किसान आंदोलन को गुरुवार को किसानों ने खत्म करने का ऐलान किया है। खबरों के मुताबिक सरकार द्वारा उनके ज्यादातर मांगों को मान लिए जाने के कारण ये फैसला लिया गया। ब्रिटेन में ओमिक्रोन के अब तक 568 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कोविड से जुड़े सख्त नियमों को लागू करने की घोषणा कर दी है। सप्ताह के चौथे दिन सेंसेक्स 157 अंक और निफ्टी 47 अंक बढ़कर हुआ बंद। सोने की कीमत 50 रुपए प्रति 10 ग्राम गिरी तो वहीं चांदी का कीमत 30 पैसे प्रति किलोग्राम गिरी। अब एक नज़र आपके राज्य झारखंड की तीन बड़ी खबरों पर। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने घोषणा की है, कोरोना के कारण मृत हुए लोगों के आश्रितों को सरकार 50,000 रुपए की सहयोग राशि देगी। झारखंड में कोरोना ने अब तक 5,141 लोगों की जान ली है। बोकारो सदर अस्पताल में कथित तौर पर मरीजों को रेफर कर प्राइवेट अस्पताल में इलाज करने और आयुष्मान से बीमा राशि का दावा करने के मामले को झारखंड स्वास्थ्य विभाग ने गंभीरता से लिया है। सूत्रों के अनुसार आयुष्मान भारत योजना के प्रभारी डॉक्टर BP सिंह ने जाँच के टीम बनाने का निर्देश दिया है। बांग्लादेश में 13 दिसंबर से शुरू होने वाली सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में झारखंड की 5 खिलाड़ियों का चयन हुआ। बोकारो जिला में 1000 एकड़ में उद्योग लगाने की कवायद शुरू हो गई है। अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत बोकारो में औद्योगिक उत्पादन नोडल बनेगा। देश भर में अमृतसर से कोलकाता तक कुल 7 राज्यों को चयन किया गया है, जहां बड़ी बड़ी उद्योगों का उत्पादन यूनिट लगाना है। इसमें झारखंड भी एक है और जिसका औद्योगिक उत्पादन नोडल बोकारो में प्रस्तावित है। इसी के तहत मंगलवार को केंद्र और राज्य सरकार की सहमति से गठित 5 सदस्यीय टीम के स्थल निरीक्षण किया। निरीक्षण टीम में निदेशक उद्योग जितेंद्र कुमार सिंह, उपायुक्त कुलदीप चौधरी बियाडा, क्षेत्रीय निदेशक कृति श्री, अपर संग्रहालता सदात अनवर, BSL प्रबंधक के प्रतिनिधि आदि शामिल थे। टीम ने जिला मुख्यालय समीप भतुआ, ढंडबरा, गरगा पुल समीप कुछ खाली स्थलों का निरीक्षण किया। बोकारो स्टील प्रबंधक औद्योगिक उत्पादन नोड के निर्माण के लिए 1000 एकड़ भूमि उपलब्ध कराएगा। बोकारो के सेक्टर 12 थाना क्षेत्र में वीरा होटल के पास जारी कथित अवैध निर्माण कार्य को बोकारो स्टील प्रबंधक के सिक्योरिटी गार्ड ने न केवल रोक दिया बल्कि उसे तोड़ भी दिया। खबरों के मुताबिक प्रबंधन ने एक जमीन पर कुछ लोगों ने गैरेज के नाम पर भवन निर्माण का कार्य शुरू कर दिया था, जिसकी भनक
प्रबंधक को लग गई थी और इसके बाद सुरक्षाकर्मी ने निर्माणाधीन भवन गिरा दिया। सुरक्षाकर्मी ने इस संदर्भ में मीडिया से सवाल का जवाब नहीं दिया। गुरु गोविंद सिंह एजुकेशनल सोसाइटी टेक्निकल कैंपस कांड्रा में आज डॉक्यूमेंट्री फिल्म स्पंदन का प्रीमियर शो शुरू हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत में मुख्य अतिथि के रूप में सीआरपीएफ डीआईजी डीके चौधरी ने दीप प्रज्वलित कर प्रीमियर शो का मुहूर्त किया। इस फिल्म को देखने इस शहर के कई गणमान्य लोग भी उपस्थित थे। साथ ही साथ गुरु गोविंद सिंह एजुकेशनल सोसाइटी के प्रेसिडेंट तरसेम सिंह, सेक्रेटरी सुरेंद्र सिंह और कॉलेज के डायरेक्टर प्रेदसी जरुआर के साथ साथ वहां के फैकल्टी और स्टूडेंट भी थे। आपको सीधे लिए चलते हैं वहां सेमिनार हॉल। सेक्रेटरी सर, thank you.
स्पंदन मूवी का, जिसमें प्रेसिडेंट गुरु गोविंद सिंह एजुकेशन सोसाइटी सेक्रेटरी और डायरेक्टर और जो आपके गेस्ट ऑफ ऑनर आज थे एक्स एसपी एंड डीआईजी झारखंड पुलिस के और कई डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट और कॉलेज के प्रोफेसर्स स्टूडेंट्स और मीडिया कर्मी के बीच में जो आज इसका दिखाया गया प्रीमियर शो आयोजित किया गया अरेंज किया गया, तो इस मूवी के माध्यम से ये लगा कि इस कॉलेज का जो एक कंट्रीब्यूशन है हमारे गाँव में पिछड़े इलाकों में है कि स्टूडेंट को मिनिमम खर्च पर एक अच्छा एजुकेशन देना, इंजीनियरिंग डिग्री जो काफ़ी कॉस्टली है डोनेशंस के साथ कई अच्छे इंस्टीट्यूशंस में, खास करके गुरु गोविंद सिंह जो इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ का है, इनके कई ब्रांचेज भी झारखंड में और झारखंड से बाहर भी हैं, और एक अच्छा लेवल है इस कॉलेज का जो मुझे अपने व्यक्तिगत जानकारी और यहाँ पोस्टिंग के दरमियान जो मुझे और इंटरेक्शन के दौरान जो मुझे मालूम हुआ, तो इस स्पंदन मूवी में इस चीज़ को दिखाया गया है और मैं चाहूँगा कि इसका ज़्यादा और प्रचार किया जाए कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस देश में और झारखंड में कम हैं जो कि कम खर्च पर गांव के स्टूडेंट्स के लिए लड़के लड़कियों के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जो कि पूरे कंट्री में और स्टेट में बहुत कम है। इसमें योगदान जितनी तारीफ किया जाए इस संस्था का और इस इंस्टीट्यूशन सोसाइटी का एजुकेशन सोसाइटी का वो कम है। रहे हैं कि हमारी जो संस्था है उसका पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में पता चले कि एक ऐसा कॉलेज भी है झारखंड में गुरु गोविंद सिंह जी का नाम का कॉलेज, कि जो बच्चों को जो सरकारी सिस्टम के था जितनी फीस सरकारी है उतना ही पैसा लेके और गरीब बच्चों को किस्ती से पैसा लेके एडमिशन दे करके उसको इंजीनियर बना रहे हैं, तो हम दिखाने के लिए खर्चा करते हैं। The idea of this film or how it has come to me for producing a 2-3 point I will just explain. Number one is nowadays many companies started asking video resumes. Any good companies are asking video resumes in this COVID period. So many times my good student used to fail to make a video resume. So we have started thinking that until unless the fear of camera will not out, the student will not able to produce any good video resume. So they have now in the जैसे बच्चों को वहाँ खेल खेल में पढ़ाई सिखा देती है, तो idea was that if I will say them that make video resume, they are not able. But when they started making films, so they had made this film. And second idea is the Unnat Bharat Abhiyan. In that, we all were working, as our seniors also said that we had adopted 5 villages. We have received from fund from Unnat Bharat also, and it is being appreciated and monitored by district magistrate of this district and IIT Delhi. अब बात आज के कोरोना अपडेट की। बोकारो में पिछले 24 घंटे में कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया, जिसके बाद बोकारो में कोरोना की केस की संख्या अभी 4 हो गई है, जबकि 2677 सैंपल जांच के लिए जमा किए गए। उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने बुधवार को प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप पोर्टल PMG के तहत सूचीबद्ध परियोजना से संबंधित परियोजना की प्रगति और ग्राउंड जीरो पर व्याप्त समस्याओं का निष्पादन को लेकर बैठक की। अब जान लेते हैं बोकारो जिले का तापमान। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 27 डिग्री और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज का कमेंट ऑफ द डे प्रकाश कुमार द्वारा किया गया। उन्होंने 8 दिसंबर को बोकारो टाइम्स के यूट्यूब पर यह कमेंट किया था। उन्होंने लिखा है, गुड जॉब गाइज, आई डेली वॉच बोकारो न्यूज़ फ्रॉम पुणे एंड इट्स फील लाइक आई एम स्टिल इन माई होम टाउन बोकारो। प्रकाश कुमार जी, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बताऊं कि हमारे कार्यक्रम बोकारो दिन भर में हम रोजाना जिले के 9 प्रखंडों की खबरों को दिखाने की कोशिश करते हैं, जिससे बोकारो में रहने वाले लोग और बोकारो से बाहर रहने वाले लोगों को हमसे जुड़े रहने और हमारे साथ आप बने रहें।
आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो के तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।